हाय गाइस, मैं ईशा दिल्ली से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो प्लांट्स के बारे में है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें रखने से घर में सुख और समृद्धि आती है, तो ऐसे ही प्लांटों को हमें घर में ज़रूर रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में गार्डन हो, हरियाली हो, परंतु कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लगाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। लेकिन ये कब और किस दिशा में लगाने चाहिए, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्लांट है वो है तुलसी का। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उनके घर में भगवान विष्णु की कृपा रहती है। ये पौधा नकारात्मक शक्ति को भी दूर करता है। तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये पौधा ईशान या पूर्व में लगाना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इसको छूना चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं तो बृहस्पतिवार को, थर्सडे को इस दिन तुलसी जी पर दूध जरूर चढ़ाएं और शाम को और शाम के समय शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। और सेकंड है बेल पत्थर। बेल पत्थर का वृक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस वृक्ष को घर में लगाने से सुख और समृद्धि आती है। बेल वृक्ष को घर में लगाने से वंश में वृद्धि होती है और इसको पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। थर्ड है शमी का। शमी वृक्ष का जो संबंध है वो शनि से है। शनि की कृपा पाने के लिए घर में शमी का वृक्ष जरूर लगाएं। इसको मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना चाहिए। शमी वृक्ष के नीचे प्रतिदिन तेल का दीपक जरूर जलाएं। इसको विजयदशमी के दिन लगाना बहुत शुभ माना जाता है। शमी वृक्ष को लगाने और उसकी देखभाल, पूजा आदि करने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है। फोर्थ है अश्वगंधा। इसको लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसको लगाने से समस्त वास्तु दोष का नाश होता है। इसको किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, परंतु दक्षिण दिशा में इसको कभी ना लगाएं। इस वृक्ष से बहुत सारी औषधि भी बनाई जाती हैं। फिफ्थ है आंवला। आंवले का पेड़ भी घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसको आप उत्तर या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसकी पूजा करने से सभी पापों का अंत होता है। सिक्स्थ है अशोक। नाम के अनुसार ही यह शोक को दूर करने वाला है। इस वृक्ष को घर में लगाने से सभी प्रकार की सुख और समृद्धि आती है। घर में अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहता। इसको उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। सेवेंथ है श्वेताक। इस पौधे को भी बहुत शुभ माना गया है, लेकिन ये दो प्रकार का होता है, एक सफ़ेद रंग का और दूसरा नीले रंग का। नीले रंग का जो होता है वो शिव जी को प्रिय होता है। उसके जो फूल होते हैं वो नीले रंग के होते हैं, पर्पल से कलर के। और जो श्वेताक है वो सफ़ेद रंग का। इसके जो पेड़ फूल होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं और गणेश जी के ऊपर चढ़ते हैं। सफ़ेद फूलों वाला जो श्वेताक होता है वो गणेश जी को प्रिय है। कहते हैं कि इसकी जड़ में भगवान गणेश जी का वास होता है। एर्थ है गुड़हल। गुड़हल का फूल के बारे में भी सभी जानते होंगे। ये बहुत आम वृक्ष होता है। इसको भी आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। गुड़हल का फूल माँ दुर्गा को चढ़ाने से माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती है। नाइन्थ है नीम का पेड़। नीम का पेड़ भी घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं
जो व्यक्ति घर में नीम का पेड़ लगाता है उसे मरने के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। 10th है काला धतूरा। यह एक जंगली पौधा होता है जो आसानी से मिल जाता है। इसको उत्तर या पूर्व में लगाना चाहिए। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि इसको तुलसा जी के साथ लगाया जाता है तो घर में सुख और समृद्धि आती है। तो ये थे 10 प्लांट जो कि घर में लगाने से सुख और समृद्धि आती है। और भी काफ़ी सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी चर्चा मैं फिर किसी दिन करूँगी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।